नमस्कार दोस्तों, हूँ धवल। एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके हाजिर हो गया हूँ। आज हम बात करेंगे एक युवक की। जी हाँ दोस्तों, एक पढ़े लिखे और बहुत ही होशियार युवक की जो एक इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, उसकी सोच बदल जाती है और ये कहानी सुनने के बाद हमारी भी सोच बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में क्या हुआ ये बेहद ही जानना जरूरी है आप सबके लिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मेरे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरा फॉलो कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का आप मजा ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक युवक और उसके इंटरव्यू पे आधारित है। एक बहुत ही होशियार और पढ़ा लिखा युवक एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ बड़ी कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर होते हैं जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। दूसरी कंपनी से जो मैनेजर आए थे उसे भी बुलाया गया था, लेकिन ये युवक बहुत ही बेहतरीन था क्योंकि उसने डायरेक्टर के सामने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, ये युवक इतना होशियार था, इतना पढ़ा लिखा था कि डायरेक्टर ने उसको इंटरव्यू में लेते ही बहुत ही बड़ा अच्छा लगा उसको डायरेक्टर को कंपनी का जो था। और एक के बाद एक स्टेज का इंटरव्यू ये युवक पास करका गया और सारी पैनल और डायरेक्टर, खुद डायरेक्टर इम्प्रेस हो गया। और आखिरी राउंड आया जब आमने सामने आए ये कंपनी के डायरेक्टर और ये युवक फाइनल राउंड के लिए। जी हाँ दोस्तों, फाइनल राउंड में उस डायरेक्टर ने उस युवक को पूछा कि तुम इतने होशियार हो, इतने पढ़े लिखे हो, तो तुमको तुम्हारे पिता ने पढ़ाया होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पिता एक साल में ही, जब मैं एक साल का था तभी गुजर गए थे। तो उस डायरेक्टर ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या तुम इतनी सारी डिग्रियां और अभी तक जो पढ़े हो वो कोई स्कॉलरशिप लेके पढ़े हो? तो उस युवक ने कहा, नहीं, आज तक मैंने एक भी स्कॉलरशिप नहीं ली, मैं मेरी खुद की मेहनत से आगे आया हूँ। तो डायरेक्टर ने अगला सवाल बोला कि क्या, किसने पढ़ाया तुम्हें, किसने हिम्मत दी और किसके बदौलत तुम पढ़े हो? तो उसने बोला, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था। अब तक जो भी डिग्रियाँ मैंने ली है, जितना भी मैं पढ़ा हूँ, सब मेरी माँ की मेहनत है। तो डायरेक्टर ने बोला कि क्या करती है तुम्हारी माँ? तो उसने बोला, मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन और कपड़े धोती है। तो डायरेक्टर ये सुन के ही चौहक्का बक्का हो गया और काफ़ी थोड़ा सोचने के बाद, काफ़ी देर बाद थोड़ा सोचने के बाद उसने इस युवक को बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम आज घर पे जाओ और अपनी माँ को कहो कि मैं भी कपड़े धोने चाहता हूँ आपके साथ। तो ये युवक ने कहा कि ठीक है, चलो आप कहते हो तो ये आज मैं घर पे जाके उसको बात करूँगा, लेकिन मेरी माँ ने अभी तक मेरे को कोई कपड़े या बर्तन धोने के लिए ना ही बोला है और ना ही वो धोने देगी, क्योंकि उसने मुझे एक ही बात सिखाई, ये पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर भी उस डायरेक्टर ने कहा कि तुम जाओ और एक काम करो, अगर वो ना बोले कपड़े धोने या वासन घिसने के लिए, तो तुम सिर्फ अपनी माँ के हाथ धो के धोना, सिर्फ अपनी माँ के हाथ धो के कल फिर हम मिलते हैं। तो वो युवक ने कहा ठीक है। युवक घर पे जाता है, उसकी माँ के साथ शांति से बातें करता है और बाद में जब वो युवक उसकी माता के हाथ धोने के लिए पानी लाता है और माता के जैसे ही उस हाथ में पानी धोने के लिए डालता है, तब वो देखता है कि उस युवक के माँ के हाथ में छाले पड़ गए होते हैं, बहुत सारे चीरे होते हैं और बहुत ही हाथ घिसे हुए, यानी कि बहुत ही हाथ घिस गए होते हैं। तब युवक को पता चला कि मेरी जो सफलता है वो इन दो हाथों के, ये घिसे हुए हाथों की बदौलत है और मुझे आज समझ में आ गया कि अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो सिर्फ मेरी माँ है। दूसरे दिन वो जाता है वही डायरेक्टर के साथ, ये अपना अनुभव शेयर करता है। तो वो युवक बोलता है कि मेरे हाथ अब तक मुलायम है और इतने खूबसूरत है क्योंकि मेरी माँ ने अब तक मेरे हाथ को कुछ काम करने ही नहीं दिया और सारा काम मेरी माँ करती है, उसी के छिले हुए हाथ की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं समझ गया हूँ कि किसी की मदद एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मेरी माँ ने मुझे मदद की थी तभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ।
तो डायरेक्टर डायरेक्टर खुश हो गया कि युवक को असलियत पता चली। युवक होशियार तो था लेकिन उसको ये जिंदगी का ये पासा मालूम नहीं था, तो डायरेक्टर ने उसको नौकरी दे दी। वो युवक को बहुत ही अच्छी पोस्ट मैनेजर के लिए नौकरी दी गई और वहाँ पे सेटल हो गया। लेकिन ये कहानी पर से हमें सोचने को मिलता है कि हमारी सफलता के पीछे कई लोग होते हैं। हमें उन सभी को याद अपने साथ याद करके रखना चाहिए, यही इस कहानी का सार है। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो, कहीं ना कहीं किसी ने हमारी मदद की होगी। उस हाथ को ढूंढिए जो घिसे है हमारे पीछे। बराबर है, आई होप आपको ये छोटी सी मगर मोटी सी कहानी पसंद आई होगी। और आपको कहानी पसंद आती है तो मुझे आपके लाइक का इंतज़ार रहता है। ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब से व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे भी शेयर कीजिए। फेसबुक पे भी शेयर का ऑप्शन आता है। अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाजू में एक बेल का आइकॉन है छोटा सा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आपको अलर्ट के रूप में जल्द से जल्द मिले और आप ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन कहानियों का मजा ले सके। आप मेरे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक अगली इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहानी के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो, हूँ धवल।